कहते हैं, आपने अठारी पड़ी है, बंदा उठल जस से सरोसा और सहस पतले बरने पर। क्या थे इसका? शेष जी के सहस्त्र फल है, तो सहस्त्र फलों से शेष भगवान का गुणान मान जाते हैं, लेकिन वो फल दूसरे की बुराई करने के लिए हजार भी बुरा लेते हैं, इसलिए शेष की तरह खड़ों की बन जाता है। क्या थे बल्लव फल जैसे सरोसा सहस बदन बनने पर दोषा, सहस्त्र मुख से क्या करते हैं फल, दूसरे का दोष वर्णन करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं और शेष की भगवान की स्तुति करते हैं। ये हजार उसके लिए बुराई के लिए बनाए, और महाराज जब फलों की वंदना की तो कहा उन्होंने क्या बोले, फला उतरे फल पावे सुसंग, और भी है उसमें बोले प्रणव प्रथुराज समाना, प्रथुराज समाना पर अग सुने सहस दस खाना। उन्होंने कान मांगे थे मेरे व्याजी, कहेंगे महाराज पृथ्वी ने भगवान का गुणानवाद सुनने के लिए सहस दस, सहस माने हजार और दस माने 10,000 कान महाराजा पृथ्वी ने भगवान से मांगे थे कि भगवान का गुणानवाद कितने कानों से सुनूं, और ये फलों की वंदना की तो कहा महाराज पृथ्वी के समान आपकी वंदना कर रहा हूं, उनका है वो इतने कानों से भगवान का गुणानुवाद सुनते हैं, ये इतने कान बना लेते हैं संसार की बुराई सुनने इसलिए बोलिए लखनलाल की जय। हाँ भैया इसी पर प्रभावित हुए हैं हमारे श्री सम्मत सब ही का लोक भी रखा गया और वेद भी रखा गया, फिर चली गया लो कहू वेद विधि पे कभी कही कि राम विमुख फल नरक न रहाई। यहाँ भी लोक रखा गया और वेद रखा गया, वहां भी लोक और वेद रखा। आखिरकार परशुराम जी ने जिस समय माता को मारा तो वेद को क्यों किनारे किनारे कर दिया गया? आपने छंद पढ़ा है ब्राह्मण का तो मैं भी पढ़े दे रहा हूं, है महाराज बबलू प्राचीनी पर प्राचीन परंपरा वाला छंदो सुनाए। नहीं नहीं बिल्कुल भाई, ऐसा संवाद तो मैंने सुनेगा प्रतिदिन देखिए कराते हैं संवाद, लेकिन वर्षों बाद ये रस आज प्राप्त हो रहा है, ये समझिए कितना सुंदर। देखो वो पन्ना वाला मुझा थे, हाँ हाँ अब आज पन्ना से हट गए, नहीं आज बिल्कुल वैसे मुझा। महाराज सुनो तुम ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है, क्यों ब्राह्मण विरोधी ब्राह्मण विरोधी। महाराज सुनो तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे क्रोध का जेवर पहला है, ये तो गहना रजपूतों का, और जो पहना चाहता है रण में अपराध क्षमा हो पितृदेव, चाहिए शांति ब्राह्मण मेरे। लड़के महलों सोनित की नदी बहा दी
जीवन की ज्योति जला दी है। महाराज सुनो, हम बच्चे हैं। आप कहते लड़के क्यों निरक्षण करता है? तो महाराज सुनो, हम बच्चे हैं। महाराज सुनो, हम लड़के हैं। तो लड़के ही लड़कपन करते हैं। अच्छा, तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं, मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी के मन खा जाए। डरता हूँ आपकी, डरता हूँ आपकी गर्मी से, कहीं और उबाल ना आ जाए। फूल दे दे उसे सुनकार है। क्या बात है,
बोलिए लखनलाल की जय। इसी पर प्रभावित हुए हमारे देश करतारित झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से हमको अपने आघातों से नहीं देखा हमने आद्यंत वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत सुख से नाग दुख से नैश हो गया पृथक जगनातों से भरत कठिन पंत का पति गिरा गर्दानित झंझा बातों से। यही तो राजकुमार संसार का एक दर्शन है मेरे जीवन काल का कि मैं अपने जीवन काल में इतना आगे बढ़ा तो आगे बढ़ता गया और मेरे आगे बढ़ने से ही लोग आगे बढ़ते। ओम तो मेरा जीवन पंथ निराला मेरा जीवन पंथ निराला मेरा जीवन पंथ निराला मेरा जीवन पंथ निराला कुमार हूँ मैं अमानी महिपालों के दलने को ये कर्मे लिए कुठार हूँ मैं सन्यासी जोगी सूर सुता से ज्ञानी और धर्म निरत पंडित विज्ञानी पद्यासी तरही न भीन तरही न भीन से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण और यहाँ दुर्गम पथ क्यों अपनाया इस काम पे पूछो मुनि कारण क्यों मैं करता हूँ ये मेरा तब पथ के अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबल आस अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य तो मिलो पथ की अज्ञातों से और मैं कठिन पंथ का पथ के लड़ा करता झंझा बातों से। यही राजकुमार संसार का फिर एक नया उदाहरण है कि गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ओम ओम ये आदर्श के चरण निरंतर ये आदर्श के चरण निरंतर ये आदर्श के चरण निरंतर अन्य दिन चलने वाले नहीं थके हैं नहीं थकेंगे नहीं थकने वाले इन चरणों से चलकर मैंने इन चरणों से चलकर मैंने है पंसन साया था और इन चरणों से चलकर मैंने विश्व पताका लहराया इन चरणों के लखन पाले ये आदर
चरणी। अरे हम कहानी चरणी है तो ठीक है, घोड़े का अधिक चरण चरण ये आ गए हमारे गुड्डू भैया आपके द्वारा इनके।